गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज मैं आ चुका हूँ मोहक कॉलेज हमारे स्टूडेंट अमन सूरी के साथ में। 2016 में यहाँ पर आए थे, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इनको यहाँ पर पढ़ने का, इधर रहने का। हैमिल्टन अभी तक नहीं छोड़ा इन्होंने, इतना वाइब्रेंट कॉलेज मैंने अभी तक नहीं देखा है। कॉलेज के लेवल पर बहुत बड़ा कैंपस है, 3D प्रिंटर्स बहुत नई टेक्नोलॉजी है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ के पास ये होते हैं। क्यों ये कॉलेज आपने अप्लाई किया? क्योंकि हमने आपको तीन दूसरे कॉलेजेस के भी ऑफर लेटर लाके दिए थे, फैनशो, अल्गोक्विन। क्यों आप मोहक में आए? मोहक में आपको पढ़ने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली है? अभी आप जो जॉब कर रहे हो उससे, उसके पे स्केल से आप कितना सेटिस्फाइड हो? यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा के बाद ही स्कोप इतना अच्छा था जॉब्स में, स्पेशली अगर आप कंप्यूटर फील्ड में आ रहे हैं। कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए थे जब आपने PR के लिए एप्लीकेशन किया? तो तब 393 का कट ऑफ आया और मेरे जो पॉइंट्स थे वो थे 473। सो गाइस, आज हमने आपको बताया हमारा कैंपस टूर मोहक कॉलेज का, और हमारे साथ है अमन सूरी। 2016 में यहाँ पर आए थे, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हम लोगों ने करके दिया था, एडमिशन से लेके वीज़ा तक, और इधर रहने का, एकोमोडेशन, फिर पर्सनल मेंटरशिप, कहाँ रहना है, कैसे जाना है कॉलेज में। क्योंकि जब ये आए थे तो ही वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, और 19 ईयर्स ओल्ड कोई भी स्टूडेंट इधर आता है तो दे नीड सम पर्सनल, यू नो, सम पर्सनल टच, पर्सनल कंसल्टेशन, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। जैसे कि आपको पता है आई स्टडीड इन जर्मनी, सो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट कहीं पे भी जाए, राइट, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी थी, क्योंकि आई वेंट टू जर्मनी व्हेन आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड टू। सो हम लोगों ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, जैसे कि अमन है, तो ये अगर आप मोहक में आते हो, हैमिल्टन में आते हो, तो ये आपके मेंटर रहेंगे। हमारी अमृतपाल विजन की पूरी कम्युनिटी है, राइट। तो आज मोहक का पूरा टूर कराने का रीज़न यही था कि 6 साल से ये यहाँ पर ही रह रहे हैं हैमिल्टन में, इधर ही पढ़े हैं, और यूनिवर्सिटी में ही ऑन कैंपस ही इन्होंने जॉब किया हुआ है। आई थिंक सो तीनों कैंपस है, तीनों में ये जॉब कर चुके हैं मोहक कॉलेज में। इधर के स्टूडेंट एसोसिएशन के इलेक्शन में भी खड़े रहे थे डायरेक्टर के लिए, इंजीनियरिंग डायरेक्टर, क्या था वो, टेक्नोलॉजी डायरेक्टर पोस्ट के लिए ये इलेक्शन में भी खड़े रहे थे, बट 7 वोटों की वजह से वो नहीं आ पाए। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इनको यहाँ पर पढ़ने का, इधर रहने का। हैमिल्टन अभी तक नहीं छोड़ा इन्होंने। हैमिल्टन जो एरिया है ये टोरंटो से 45 मिनट्स की ड्राइव है, जहाँ पर अभी मैं रह रहा हूँ ब्रैम्पटन, वहाँ से हमको 40 मिनट्स इधर आने के लिए लगे। तो जो भी स्टूडेंट है, मोहक कॉलेज आपको बताया है बहुत वाइब्रेंट कॉलेज है, इतना वाइब्रेंट कॉलेज मैंने अभी तक नहीं देखा है। अभी मैं इस पूरे टूर पे हूँ, वर्ल्ड एजुकेशन टूर पे। कॉलेज के लेवल पे बहुत बड़ा कैंपस है, एक जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंपेयर में हम लोग ये कॉलेज की बात करें तो उससे भी ऊपर, उससे बड़ा ही कैंपस होगा, उससे छोटा बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे 3D प्रिंटर्स आपको हमने दिखाए हैं, 3D प्रिंटर्स बहुत नई टेक्नोलॉजी है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ के पास ये होते हैं। सो अमन, आज के इंटरव्यू में हम लोग आपको ये पूछेंगे, सबसे पहले तो कैसा था, क्यों ये कॉलेज आपने अप्लाई किया? क्योंकि हमने आपको तीन दूसरे कॉलेजेस के भी ऑफर लेटर लाके दिए थे, फैनशो, अल्गोक्विन। क्यों आप मोहक में आए? मोहक में आपको पढ़ने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली है? अभी आप जो जॉब कर रहे हो उससे, उसके पे स्केल से आप कितना सेटिस्फाइड हो? आपको लगता है कि आपको PG करना चाहिए एडवांस डिप्लोमा के बाद कि नहीं? क्योंकि कितने लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई PG डिप्लोमा आप करोगे तो आप, सॉरी, एडवांस डिप्लोमा करोगे तो इतने अच्छे ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बट आपने तो सिर्फ एडवांस डिप्लोमा ही किया है, PG अभी तक नहीं किया है, तो भी आपको अच्छी जॉब मिली, आपका PR हो चुका है, तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो आप व्यूअर्स को आपकी जो पूरी प्रोफाइल है आप बता दीजिए, इंडिया में आपने क्या किया, फिर कौन सा कोर्स करने के लिए आप इधर आए, और अभी आप क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि इंडिया में मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया है 10th के बाद। तो अब डिप्लोमा फिनिश हो गया था, उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस थे, या तो मैं डिग्री कर लूँ इंडिया में ही, या तो मैं आउटसोर्स कर लूँ, कोई ऑप्शंस जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने अमृतपाल को कांटेक्ट किया, इन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से ही सब इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि किस कॉलेज में क्या रहेगा। आपको खुद से भी रिसर्च थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली आना आपको ही है, तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च करिएगा, पर आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो ये आपको आराम से बता सकते हैं। अब मेरे केस में मैंने खुद से रिसर्च करी, इन्होंने मुझे कंसल्ट किया, और हमने 3 कॉलेजेस फाइनल करे। उसमें भी हमने 3 कॉलेजेस इसलिए फाइनल करे क्योंकि
कभी कभी हो सकता है कि आपको एक कॉलेज से ऑफर लेटर ना आए, तो हमेशा दो तीन ऑप्शन हो तो वो बेटर रहता है। अब लकीली इनकी हेल्प से मुझे तीनों कॉलेजेस से ऑफर लेटर आ गए थे। अब उसमें मुझे डिसीजन लेना था कि मैं कौन से कॉलेज में जाना चाहता हूँ, तो मैंने वहीं पे फिर वापस 15 दिन लेके रिसर्च किया। मैंने आसपास के एरिया के बारे में पता किया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे अच्छी रहेगी, कौन सा प्रोग्राम मुझे करना है। प्रोग्राम फिनिश करने के बाद अगर मुझे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है तो उसके क्या ऑप्शंस रहेंगे, तो ये सब रिसर्च आपको थोड़ी बहुत करनी रहेगी। और अगेन, आपको कोई भी क्वेश्चंस और डाउट्स हो, अमृतपाल आपके साथ बैठे ही हैं, वो आपको सब इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब मेरे केस में मैंने मोहक इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे 3 साल के कोर्स के बाद जब मैं इंडिया से यहाँ आ रहा था, इनिशियली मेरा प्लान था कि मैं अपनी बैचलर्स कंटिन्यू कर दूंगा, और जो प्रोग्राम मैंने सिलेक्ट किया था वो प्रोग्राम का अफिलिएशन मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के साथ भी था। तो 3 साल यहाँ फिनिश करने के बाद मैं डायरेक्टली मैकमास्टर में एडमिशन ले सकता था, और वहाँ पे 2 साल फिनिश करने के बाद मेरे पास एडवांस डिप्लोमा भी आ जाता और मेरे पास फिर बैचलर्स डिग्रीज भी आ जाती। तो अब मैंने ये सोचा कि दूसरे कॉलेजेस में भी कोर्सेज तो सिमिलर ही हैं, ऐसी बात नहीं थी कि कॉलेजेस वो भी अच्छे नहीं थे, बट मैं वो टाइम पे सोच रहा था कि मुझे क्योंकि बैचलर्स करनी है और मैकमास्टर यूनिवर्सिटी का इनके साथ अफिलिएशन भी है, तो जहाँ मुझे स्टार्टिंग से बैचलर्स करनी पड़ती, यहाँ ये प्रोग्राम के बाद मुझे सिर्फ 2 साल पढ़ना पड़ता। अब वो है कि मैंने बैचलर्स यहाँ पर नहीं करी फॉर फ्यू रीज़न्स। पहला था कि मुझे ज़रूरत नहीं लगी, यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा के बाद ही स्कोप इतना अच्छा था जॉब्स में, स्पेशली अगर आप कंप्यूटर फील्ड में आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर या नेटवर्किंग कर रहे हैं, अगर आप कोई बड़े शहर में जाते हैं जहाँ पे आपको पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इजीली मिल जाएगी तो जॉब्स का आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो उसके वजह से मैंने भी यहाँ पे अभी भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बैचलर्स कर सकता हूँ, बट बिकॉज मेरी जॉब लग चुकी है अच्छी कंपनी में, मैं वो कंपनी में भी 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। पे की बात करें तो ऑफ कोर्स अगर आप नवे स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहता ही है, क्योंकि कोई भी आप फील्ड में जाए आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग के जो फ्यू ईयर्स रहेंगे उनमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा रहेगी, पॉसिबल है आपको थोड़े पैसे कम मिले, बट घबराइएगा मत, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी और बढ़ेगी और आपको पैसे भी ड्रास्टिकली चेंज होंगे। राइट सो अभी आप मुझे ये बताइए कि आपका पूरा स्टूडेंट से लेके 2016 में आप एज अ स्टूडेंट आए कैनेडा में और 2021 में आपको PR मिला, राइट? वो पूरा सफ़र आपने कैसे तय किया, आपके क्या क्या हर्डल्स थे, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और जैसे कि कितने स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि एडवांस डिप्लोमा के बाद अगर आप PG नहीं करोगे तो PR में प्रॉब्लम होता है, PR नहीं मिलता है, पॉइंट्स कम रह जाते हैं, तो आपका ये जो पूरा स्टूडेंट से लेके PR तक का पूरा आप उसको स्टेप वाइज बताइए। तो स्टूडेंट्स जो है एडवांस डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा के बाद बैचलर्स नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्या करें? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एडवांस डिप्लोमा के बाद बैचलर्स करें या आपको PG डिप्लोमा करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप खुद से ही रिसर्च कर रहे हैं और आप जॉब मार्केट में अपना रेज्यूमे अपलोड कर रहे हैं या खुद से ही आप रिसर्च करके जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थोड़े बहुत रिजेक्शन्स आएंगे और वो बहुत कॉमन है, बट यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहती है। और मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आपकी एजुकेशन इतनी मायने नहीं रखती है आप जितना कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो आप फिक्र मत कीजिएगा, आपको वो जॉब मिल जाएगी। अब रही बात मेरी, मैं अब जैसे आपको अमृतपाल ने बताया, मैं जब 19 साल का था तब मैं यहाँ आया, तो काफ़ी नवे स्टूडेंट्स की तरह मैं भी पहले बहुत घबराया हुआ था। सबसे पहले जो फिक्र रहती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, वो रहती है कि रहेंगे कहाँ पे, क्योंकि अगर आप कोई दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट कहीं तो रहना चाहेंगे। तो उस केस में भी अमृतपाल ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी, इन्होंने मुझे काफ़ी रिसोर्सेज बताए कि हाँ, फेसबुक पे भी काफ़ी पेजेस अवेलेबल है जहाँ आप ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके भी काफ़ी कॉन्टैक्ट थे, जैसे अभी मैं आपका मेंटर बन सकता हूँ। तो इन्होंने मुझे भी, जो पहले यहाँ स्टूडेंट्स आए थे
उन्होंने भी मुझे मेंटरशिप करी थी यहाँ पे, उन्होंने मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताई कि क्या करना रहेगा, तो उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी रहेगी। आजकल तो ऑनलाइन भी अगर आप जैसे वीडियोस देखना चाहेंगे या आप कंसल्ट करेंगे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो काफ़ी उस हिसाब से बेटर रह गया है। रही बात मेरे पढ़ाई के बाद पीआर की, अब 3 साल के पढ़ाई के बाद मुझे चाहिए थे एटलीस्ट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस जिसमें मेरे पॉइंट्स हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप ओंटारियो आना चाह रहे हैं, रियलिस्टिकली यहाँ पे आजकल इन्होंने पॉइंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रखा है, तो अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो फिक्र मत कीजिए, दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। आप पढ़ाई के लिए ओंटारियो आ सकते हैं, टोरंटो के पास, हैमिल्टन में या आसपास के एरिया में, और अगर आपको लग रहा है कि आपके पॉइंट्स नहीं हो रहे हैं तो आप ईजिली जो दूसरे प्रोविंस है आप वहाँ पर भी जा सकते हैं सिर्फ पीआर के लिए, तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कम रहती है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन अभी कम है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे आए, तो एक बार अगर आप 1-2 साल वहाँ रह के अपना पीआर सिक्योर कर लेते हैं उसके बाद फिर आप कंट्री में कहीं पे भी जाए, तो ऑप्शंस आपके पास सब अवेलेबल है, तो बिल्कुल मत घबराइए कि मेरे पॉइंट्स नहीं हो रहे हैं। आप अपनी तरफ से मेहनत करिए, आपको कोई भी डाउट्स है अमृतपाल को पूछिए, वो आपको सब इन्फॉर्मेशन दे देंगे। राइट, मुझे अभी ये बताइए कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए थे जब आपने पीआर के लिए एप्लीकेशन किया, क्या उसका कट ऑफ था और आपके पॉइंट्स कितने थे और वो पॉइंट्स कैसे बने थे? तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैंने जब अपना पीआर अप्लाई किया तब अनफॉर्चुनेटली कोविड चल रहा था, तो काफ़ी टाइम तो गवर्नमेंट ने भी जो एक्सप्रेस एंट्री थी वो बंद रखी थी, तो उसमें भी थोड़ा बहुत घबराहट मुझे भी हो गया था आपकी जैसे ही कि अब क्या करेंगे, वर्क परमिट फिनिश होने वाला है। पर उसमें फिर क्या हुआ, अब जब मैं अप्लाई कर रहा था तब जो कट ऑफ आया वो काफ़ी कम आया बिकॉज ऑफ कोविड, तो तब 393 का कट ऑफ आया और मेरे जो पॉइंट्स थे वो थे 473। तो मेरे पॉइंट्स कैसे बने, तो सबसे पहले अगर आप कोई एजुकेशन करके आ रहे हैं इंडिया से तो आप उसका यहाँ पे इवैल्यूएशन करा सकते हैं, तो आपको इक्विवेलेंट पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे। तो मैं काफ़ी लोगों को रेकमेंड ये करूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 12th के बाद आ जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं या टोरंटो के एरिया के पास आ रहे हैं तो आपको थोड़े से पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए रहेंगे। तो अगर आप 1 साल का कोर्स करके आ रहे हैं उसके बाद वो काफ़ी टाइट रहता है क्योंकि आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट चाहिए रहेगा अगर आपको ओंटारियो में ही पीआर करना है। अगेन, दूसरे ऑप्शंस आपके पास अभी भी अवेलेबल है कि आप दूसरे प्रोविंस जा सकते हैं, पर अगर आप टोरंटो या आजूबाजू के एरिया में ही अगर आप सोच रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीआर के लिए जो यूजुअली कट ऑफ रहता है वो अराउंड 470-475 रहता है, और पॉइंट्स आपके किस बेसिस पे बनते हैं कि आप कितने साल आपने यहाँ पे पढ़ाई करी है, अगर आप ज़्यादा साल पढ़ाई करते हो तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, आपका आईलेट्स जो इनकी जनरल एग्ज़ाम होती है उसमें आपके कितने स्कोर आते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करके आईलेट्स भी अगर एटलीस्ट 7-7.5 बैंड्स ले आते हो तो उसमें भी आपके काफ़ी पॉइंट्स बूस्ट अप हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि एजुकेशन कम है, आप आईलेट्स में थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लिए और उसमें भी आपको आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। सेकेंडली, गवर्नमेंट काफ़ी टाइम ये लोग स्पेशल प्रोग्राम्स भी लाते हैं जहाँ पे आपको पॉइंट्स की फिक्र नहीं करनी पड़ती है, आप जस्ट अप्लाई करिए और अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको वो भी पीआर के लिए बुला लेंगे। तो ऑप्शंस यहाँ पे बहुत अवेलेबल है, बट मेन है कि आपको रिसर्च थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चंस है तो बिल्कुल आप फिक्र मत करिएगा, अमृतपाल भी है, आप ऑनलाइन भी चेक करिए, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर आप इन्फॉर्मेशन खुद से लइए क्योंकि सबकी सिचुएशन थोड़ी अलग रहेगी, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत रिसर्च देखना पड़ेगा। पर पीआर का प्रोसेस ईजी रहेगा, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपने पीआर का प्रोसेस खुद ही किया। काफ़ी लोग सोचते हैं कि एजेंट के थ्रू ही कराना पड़ेगा, खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, ऑनलाइन सब रिसोर्सेज आजकल अवेलेबल है, तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो आप अपने एजेंट के भी पैसे बचा रहे हैं वहाँ पे पीआर प्रोसेस करने के लिए, और अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी सब ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है, पर अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको वो हेल्प भी मिलती है कि स्टूडेंट खुद ही जो है कुछ भी
परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आपको कोई भी डाउट है तो उधर मेंटर्स होते हैं, जैसे कि इन्होंने खुद अपना पीआर रखा हुआ है, राइट। तो मेरे को बता रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हेल्प भी कर देते हैं कि कैसे पीआर रखना है, उनको नहीं समझ आता है, क्योंकि वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपल एक फॉर्म भरना होता है, बाद में जब भी उनका रिक्वेस्ट आता है तब जाके आपको डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई आपको किसी कंसल्टेंट की, यहाँ पर लोकल कैनेडियन कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है, ICCRC मेंबर की या कुछ भी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा रिसर्च करते हो, थोड़ा आप इनिशिएटिव लेते हो, थोड़े स्मार्ट हो, तो आपको डेफिनेटली किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीआर लेने के लिए। सो अमन मुझे अभी ये बताइए कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था मोहक में पढ़ने का, वो अगर मैं आपको स्केल करने के लिए बोलूँ 1 to 10, वेयर 1 इज़ यू नो वर्स्ट एंड 10 इज़ द बेस्ट, तो आप कितना कॉलेज को रैंक देना चाहोगे? मैं कॉलेज को रैंक देना चाहूँगा 10 out of 10। अगर आप मेन कैंपस में हैं, अगर मैं बोलूँगा अगर आप दूसरे कैंपसेस में भी हैं तो आपको हमेशा हर कैंपस का एक्सेस रहेगा, और जैसे कि आपने टूर देखा आपको सब फैसिलिटीज़ यहीं पे अवेलेबल है। तो अगर आप कॉलेज के आसपास भी रह रहे हैं और आप सोच रहे हैं अरे मेरे पास गाड़ी नहीं है, अभी मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे अगर खाना पीना है या मुझे आप सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो सब कॉलेज आपका ध्यान रखता है। अब मेरे टाइम पर भी मैं 3 साल यहीं था, मुझे हैमिल्टन से कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा, सब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहीं थी, जॉब भी मुझे कॉलेज से ही उन्होंने काफ़ी हेल्प करके दी थी। आपके पास हर टाइप के डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, आपको सिर्फ थोड़ा रिसर्च करना है और कॉलेज में आपको सब मिल जाएगा। तो अगर आप कॉलेज का फिक्र कर रहे हैं कि मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप फिक्र मत करिए, कॉलेज इज़ 10 out of 10। थैंक यू। और मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी स्टूडेंट इधर आता है, राइट, तो उसको इनिशियल डेज में क्या ध्यान रखना है, प्लस उनका मंथली एक्सपेंस क्या होगा? अभी तो इन्फ्लेटेड प्राइस है, आपके टाइम पे और अभी आप रह रहे हो यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं आपको पता होगा, तो उनका मंथली एक्सपेंसेस हैमिल्टन में क्या है? सो मैं बोलूँगा जैसा एक्सपीरियंस है वो डिपेंड करता है आप किस तरह का लाइफस्टाइल आप करना चाहते हैं, तो आपको हर टाइप के प्राइस रेंज मिल जाएंगे। पर अगर मैं मेरी बात करूँ, जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया था, मेरा ऑलमोस्ट महीने का खर्चा 400 to 500 था। उसमें मेरा रहने का हो गया, खाने का हो गया और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी हो गया। अब वो बात थी 5 साल पहले, तो आजकल थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, पर आप फिगर मत करिए, सब ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अगर रहना चाहते हैं उसमें, अगर आपको अकेला रूम चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा पैसा सेव करना चाहते हैं आप किसी के साथ रूम शेयर भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे जो नवे स्टूडेंट्स आते हैं, स्टार्टिंग के जो पहले के जो कुछ महीने रहते हैं, वो लोग प्रिफर वही करते हैं कि मैं किसी के साथ रहूँ, क्योंकि एक पहली बात साथ हो जाता है किसी का, आपको अकेलापन नहीं रहता है, और पराए देश में थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप अगर नवी बन जाए तो और उसके अलावा क्या ही चाहिए। बट अगर मैं आज की बात करूं तो आप अपना 500 टू 700 का खर्चा लेके चलिए पर महीने, उसमें आपका रेंट आ गया, उसमें आपका खाने पीने का भी आ गया और काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट भी इंक्लूडेड हो जाएगा। अब उसके बाद वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लाइफ स्टाइल लेना चाहते हैं। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। पर मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आप जैसे आने से पहले आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप अपना इंडिया से ही ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट लेके आइएगा। मैं काफ़ी सारे नवे स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ, क्योंकि ये गलती मैंने करी थी, मैं आपको बोलूँगा आप अपना ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट लेके आइएगा, और जैसे ही आपके 6 महीने कनाडा में हो जाते हैं आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर दीजिएगा। आपको बेनिफिट ये रहेगा, अगर आप इंडिया में ड्राइव करते हैं तो आपको डायरेक्टली जो जी लाइसेंस रहता है, जो ये लोग का मेन लाइसेंस है, जिसमें आप गाड़ी भी चला सकते हैं और बड़े ट्रक भी चला सकते हैं, तो आप वो सब लाइसेंस आपको विदाउट एनी वेट आपको मिल जाएगा। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस अगर अपना एक्सट्रैक्ट लेके आते हैं तो आपको सिर्फ जो रिटन एग्जाम है वो क्लियर करना है, और उसके बाद जो वेटिंग पीरियड रहता है 1 साल का वो आप स्किप कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आप बिल्कुल मैं बोलूँगा थोड़ा एडजस्ट करिएगा स्टार्टिंग के पहले महीने। अगर आपको किसी के साथ भी रहना पड़े कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, आप थोड़े लोगों से मिलोगे, उसके बाद आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, बट आप एडजस्ट करने के लिए रेडी रहिएगा। ये दो मैं आपको मेन बताना चाहूँगा। राइट राइट राइट। सो अभी आपका जो अमृतपाल विजन के साथ सफ़र कैसा था, जब भी हम लोग आपका एडमिशन आया, वीज़ा आया, फिर मैं आपको अभी तक याद है, मुझे 6 years बैक में मैं आपको एयरपोर्ट पे भी ड्रॉप करने आया था। ये हमारी प्रथा बहुत सालों से चल रही है, राइट, वो भी फ़ोटो आपको मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो अभी तक का आपका हमारे साथ अमृतपाल विजन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा?
मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही फर्स्ट क्लास रहा है। इन्होंने स्टार्टिंग से ही मेरा प्रोसेस स्टार्ट होने से लेके जब तक मेरा ऑफ़र लेटर आया, ऑफ़र लेटर के बाद वीज़ा का प्रोसेस जो करना था, इन्होंने ही मेरी हेल्प करी है। और मैं बताना चाहूँगा बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, इन्होंने बिल्कुल कोई फिक्र करने ही नहीं दी। वीज़ा का भी प्रोसेस हम स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि अरे एक महीना ही है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट ऑफकोर्स इनके पास इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे कॉन्टैक्ट्स है, हमारा प्रोसेस बहुत स्मूथली हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा था। और जैसे इन्होंने बताया कि मैं जिस दिन जा रहा था उस दिन भी ये एयरपोर्ट पे मुझे सी ऑफ करने आए थे। तो अभी आपका एजेंट और आपको जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कौन करता है आजकल ऐसा? तो बिल्कुल आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हैमिल्टन के बारे में या कॉलेज के बारे में, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको आराम से सब इन्फॉर्मेशन देंगे। मुझे अभी भी याद है 2016 में इनका जो लोन अमाउंट था वो थोड़ा लेट सेंक्शन हुआ था, 5 दिसंबर को, मुझे अभी तक याद है, हमने इनका वीज़ा 5 दिसंबर को डाला था। तभी चलता था SPP और नॉन SPP, राइट। SPP के अंदर क्या होता था कि अगर जैन इनटेक है तो आपको 1 दिसंबर से पहले पहले पूरी आपकी वीज़ा फाइल पुटअप कर देनी है, और इनका आ गया था 5 दिसंबर। मैंने अंकल को बोला, अंकल आप टेंशन मत लो, कोई टेंशन नहीं, अपना वीज़ा रखेंगे, वीज़ा आएगा, टाइम सर वीज़ा आएगा। और तभी ये वेबसाइट में भी क्लियरली लिखा हुआ था कि 1 दिसंबर के बाद आप जैन इनटेक की फाइल नहीं रख सकते, बट मैंने इनको एश्योरिटी दी थी कि भाई आप टेंशन मत लो, आपका वीज़ा बिल्कुल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर बोल रहे थे कि यार दूसरे सब बोल रहे हैं कि नहीं आएगा, आप लेट हो गए। मैंने बोला कुछ नहीं है, ईजिली। तो वो कैसा था, आपको याद है वो 5 तारीख को हमने वीज़ा रखा था आपका? बिल्कुल याद है, उसमें बहुत स्ट्रेस था मुझे तो, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा था, बट ऑफ कोर्स इन्होंने वापस मुझे रीअश्योरेंस कराया था कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ये सही थे, मेरा वीज़ा टाइम सर आ गया था और मुझे यहाँ आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब उस टाइम हम भी थोड़ा झिझक रहे थे कि टिकट कराए नहीं कराए, बट इन्होंने वही इतना रीअश्योरेंस किया तो हमने फिर टिकट भी करा दिया था और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो उसके वजह से हमारे टिकट के भी अच्छे पैसे बच गए थे। और जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था, टेंशन बिल्कुल नहीं रहने देंगे, अब इनके पास इतना इन्फॉर्मेशन है तो अब वो कहीं तो काम आएगा ही। बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कनाडा आना है, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है जो आपके प्रोफाइल के रिलेटेड हो, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जहां आपको जाना चाहिए, वो हम लोग आपको पूरा जो है वो सजेशन देंगे। सो ऐसे ही कैंपस टूर, ऐसे ही मेरे स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन देखने के लिए और स्टूडेंट से बात करने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दैट इज़ अमृतपाल विजन। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, अभी हम लोग कनाडा में हैं, US के वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, UK जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, फिर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर कैंपस को मैं कवर करने वाला हूँ जहाँ मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको पर्सनली जाके मिलने वाला हूँ, वो क्या कर रहे हैं, क्या तकलीफ़ में है, कुछ उनको प्रॉब्लम है, क्या रह रहे हैं, तो मैं खुद देखना चाहता हूँ कि मैंने जो स्टूडेंट्स आज से 6 साल पहले, 2 साल पहले, 3 महीने पहले जो भी भेजे हैं वो कौन सी लाइफ जी रहे हैं। ऐसा ना हो कि भेज दिया, हमारा काम सिर्फ वीज़ा कराना नहीं है, हमारा काम है जो करियर्स को बनाना है और उनके साथ में रहना है, सो दैट उनको ये पूरे जो प्रोग्राम होता है, पूरा जो सिचुएशन होता है फॉरेन एजुकेशन का, रीसेटलमेंट का और फॉरेन में सेटलमेंट करने का, तो वो पूरे साथ में हम लोग रहे, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने खुद किया था व्हेन आई वाज 19 इयर्स और 4.5 साल जर्मनी में रह के आया था। तभी कोई नहीं था मेरा मेंटर, क्योंकि जर्मनी में उस टाइम पे कोई जाता नहीं था, आई वाज अलोन। सो ये चीज़ें प्रॉब्लम कोई स्टूडेंट्स को ना पड़े, ये पूरा ड्राइव उसके लिए है, ये वर्ल्ड टूर उसके लिए है, इतनी 50+ फ्लाइटें ले रहा हूँ मैं और इतने सारे किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा हूँ जस्ट आपको ये बताने के लिए कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी और एक्चुअल सिचुएशन इन कंट्रीज में क्या है। सो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल अमृतपाल विजन, और अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू हैमिल्टन, मोहक, तो हमारे साथ है अमन, ये आपके मेंटर रहेंगे जब तक ये हैमिल्टन में है। सो गाइस, सी यू सून, थैंक यू।